हम बनाएंगे बांगड़ा मच्छी फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने 5 बांगड़ा ले लिया है और ये अच्छे से वॉश करके अच्छे से साफ़ कर लिया है। इस तरह से देख सकते हैं पहले से साफ़ करके रखा है। तो इसमें हम डालेंगे अब हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। पहले हल्दी को अच्छे से इसमें पीस में लगा देना है। चाहे तो आप इस तरह से कट कर सकते हैं चाकू की मदद से, पर ये बहुत छोटा है इसलिए हमने यहाँ पे नहीं काटा है बांगड़े को। तो इस तरह से लगा लेना है हल्दी को पीस में। और ये लग गया है तो ये हमने एक कटोरी यहाँ पे लिया है। इसमें हम डालेंगे फिश फ्राई मसाला 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच भरकर, यहाँ पे मिर्ची पाउडर लेंगे 1 चम्मच, हल्दी पाउडर थोड़ा लेना है क्योंकि हमने उसमें भी डाला है। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। नमक बहुत कम ही रखना है। ये रेडी हो गए हैं। और ये हम फीस में लगा देंगे ये मसाला। इस तरह से लगा देना है। ये बहुत छोटा है, छोटा है इसलिए हमने चाकू यहाँ पे नहीं लगाया है। और ये मिक्स हो गया है। तो इधर एक एक करके फिश को फ्राई करेंगे। और इसे 5 मिनट तक छोड़ देंगे। इसे ही चम्मच बिल्कुल नहीं लगाना है और गैस फास्ट नहीं रखना है, स्लो ही रखना है। ये फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे।
देखिए हमारी ये बांगड़ा फ्राई मच्छी हो चुका है, बिल्कुल क्रिस्पी हुआ है। और ये रेसिपी आप भी ज़रूर ट्राई करिए। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।